एफएम पर गाना बज रहा था और निकिता काम करते हुए साथ साथ गुनगुना रही थी। वह गाने में इतनी मगन थी कि कब सोमेश कमरे में आया उसे पता ही नहीं चला। उसे एहसास तब हुआ जब सोमेश की बाहें उसके इर्द गिर्द लिपट गईं और उसके स्वर में स्वर मिलाकर वह भी गाने लगा। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल भाता कोई। और लाइनों को समाप्त करने के बाद दोनों के ठहाके कमरे में गूंजने लगे। सच में यह गीत हम पर कितना फिट बैठता है ना। निकिता का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सुमेश ने कहा, हां सुमेश, कहती हुई निकिता ने अपना सिर सुमेश के कंधे पर टिका दिया और डूब गई कुछ पुरानी यादों में। जब वह शादी होकर दुल्हन के रूप में ससुराल आई तो सुमेश उसके लिए बिल्कुल अनजान था। सुमेश ने उसे देखा भी नहीं था। उसके माँ बाप ने उसे पसंद किया और फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी की रस्मों को निभाते निभाते निकिता ने तो हृदय से उसे अपना मान लिया था। भारतीय संस्कृति की यही तो खूबसूरती है कि हर रस्म किसी न किसी भावना को व्यक्त करती है। इन्हीं रस्मों को निभाते हुए दो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग कब एक दूसरे के हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब दोनों पहली बार अकेले साथ हुए तो सुमेश में एक हिचक थी, शायद कई सवाल थे उसके दिल दिमाग में और उसने निकिता से पूछ ही लिया, क्या वह उसे पसंद आया। दरअसल उसे अपने गहरे रंग और पतले दुबले शरीर को लेकर संशय था कि निकिता ने उसे पहले नहीं देखा था और अब वह उसके बारे में क्या सोचती होगी। कहीं माँ बाप की इच्छा से शादी कर ली हो और अब उसका रूप रंग देखकर दुखी होगी। निकिता खिलते रंग की सुंदर गुड़िया सी थी। उसका प्रश्न सुन निकिता सन्न रह गई। सुमेश के अंदर कोई हीन भावना है, अगर ऐसा है तो बड़ी मुश्किल होगी। जब किसी के अंतर मन में कोई हीन ग्रंथि हो तो उसके साथ बड़ा ही संभल कर व्यवहार करना चाहिए। निकिता समझ गए कि सुमेश के साथ क्या समस्या है और उसे बड़ी सहजता से सारी समस्या को मिटाना है। यह सब शर्माने या झिझकने से संभव नहीं है। इस समय उसे सुमेश के मन में संशय को समझदारी से दूर करना है। निकिता हंस पड़ी मुस्कुराते हुए, आपको ऐसा क्यों लगा जी। कुछ पल तो सुमेश चुप रहा, शायद उसकी हंसी और मुस्कान का आंकलन कर रहा था। उसे उसमें कहीं दुख या बनावट नजर नहीं आई तो फिर धीरे से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। इतना बोलकर सुमेश खामोश हो गया। निकिता को बताया कि अपने काले रंग की वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। निकिता ने शुरुआत में ही सुमेश के दिमाग से यह बात निकालने का सोचा, वरना जीवन भर सुमेश सहज नहीं हो पाएगा। शर्म छोड़कर उसने सुमेश का हाथ अपने हाथ में ले लिया।
मैंने आपकी फोटो देखी थी। आपकी मम्मी ने मुझे आपकी प्रकृति के बारे में बताया था और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरा जवाब मांगा था और सब सुनने के बाद ही मैंने हाँ की थी। रंग तो दो ही होते हैं, सफेद और काला, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। निकिता सुमेश के चेहरे पर नजर जमाए सारी बातें उसको बता रही थी और एक शब्द पर जोर देते हुए उसने अपनी बात पूरी कर ली। सुमेश कुछ अस्वस्थ हुआ लेकिन अभी भी उसका सारा संचय खत्म नहीं हुआ था। वह अभी भी खामोश था और निकिता समझ गई, क्योंकि उसने निकिता के हाथों में अपना हाथ दे तो रखा था लेकिन गर्माहट नहीं थी। निकिता ने आगे बात जारी रखी। मैंने कभी किसी सुंदर राजकुमार के सपने नहीं देखे थे। मेरे लिए वही राजकुमार था जो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए चुनते। माँ बाप से बढ़कर कौन है जो बच्चों का हित चाहता है, उसका भला बुरा किसमें है यह सोचता है। जब उन्होंने आपको मेरे लिए पसंद किया तो आप ही मेरे राजकुमार थे। मैंने तो आपको ही अपने ख्वाबों में सहजादा माना और शादी की रस्मों के बाद हम शरीर से बेशक दो हों लेकिन मन से आत्मा से सातों जन्म के लिए एक दूसरे के हो गए। क्या आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है जी? निकिता ने सुमेश की आंखों में झांकते हुए कहा। सुमेश ने जैसे कुछ निश्चित कर लिया था वह उठा और उसने निकिता को गर्मजोशी से अपनी बाहों में भर लिया। उसने निकिता के मस्तक को चूमा और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम मेरे जीवन में नई उमंग लेकर आई हो, ऐसा लग रहा है मानो मुझे हमेशा से तुम्हारी ही तलाश थी और तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि मेरा और तुम्हारा सिर्फ इसी जन्म का रिश्ता नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है। सच में? हां बिल्कुल सच। सुमेश ने उसके सिर को अपने सीने से लगाते हुए, निकिता कहां खो गई? सुमेश ने उसके गालों पर हाथ फिराते हुए बोला। निकिता यादों से बाहर है। गाना अभी भी चल रहा था। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो या जाने ना, माने तो या माने ना। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को